दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई आंदोलन हुए। उन्हीं आंदोलनों में भारत के गरीब किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसे इतिहास में नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, किसानों द्वारा किए गए यह विद्रोह सफल भी हुआ था। इनकी संगठित शक्तिशाली बल के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना भी पड़ा था। ऐसे में हमारे लिए इस विद्रोह के बारे में जानना दिलचस्प रहेगा, तो आइए करीब से जानते नील विद्रोह से जुड़े रोचक किस्सों के बारे में। दोस्तों, अंग्रेजों का भारत में आने का पहला मकसद अपने उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने का था। उनमें यहाँ विभिन्न प्रकार की खेती भी शामिल था। वे यूरोप की जरूरतों के हिसाब से भारतीय किसानों को उसकी खेती के लिए मजबूर करते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम व नील खेती पर जोर देना शुरू कर दिया। ब्रिटेन में नील का प्रयोग छपाई आदि में किया जाता था। जैसे जैसे नील की मांग बढ़ने लगी, कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने लगा। बंगाल के साथ बिहार में भी नील की खेती तेजी से फैलने लगा था। भारत की नील दुनिया भर के बाजारों में छा चुका था। खासकर भारत के बंगाल की नील में जो उच्च गुणवत्ता थी, वो किसी और देश के नील में नहीं था। साल 1788 तक ब्रिटेन के द्वारा आयात की जाने वाली नील में भारतीय नील का हिस्सा महज 30% था। वहीं 1810 के आते आते ब्रिटेन के द्वारा आयात की जाने वाली नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% बढ़ गया था। नील के बढ़ते व्यापार को देखते हुए कंपनी के अधिकारी व व्यवसायिक एजेंट नील के उत्पादन पर अधिक पैसे लगाने लगे थे। एक समय ऐसा भी आया जब नील के बिजनेस की खातिर बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। उन्होंने पट्टे पर जमीनें ली और खुद नील के बागान लगाए। इसके लिए ब्रिटिश सरकार को इनका समर्थन भी प्राप्त था। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं थे, उन्हें कंपनी व बैंक कर्जा भी देने को तैयार थे। अंग्रेजों को अपने नील के बागान में खेती के लिए भारतीय किसानों के साथ मजदूरों की भी आवश्यकता थी। ऐसे में अंग्रेजों ने दो तरीके से नील की खेती करना शुरू कर दी। पहला, बागान मालिक खुद अपनी जमीनों में मजदूर लगाकर नील का उत्पादन करते। इसके लिए जमींदारों को अपनी जमीन मजबूरन लीज पर देना पड़ता था। दूसरा, बागान मालिक रायतों के साथ समझौता करते। इसके लिए वो अनुबंध पर किसानों के दस्तखत करते, फिर उन किसानों को नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर नगद कर्जा मिल जाता था। इन कर्जा लेने वाले रायतों को अपनी जमीन के 20-25% भाग नील की खेती करना पड़ता था। बागान मालिक बीज वगैरह का इंतजाम कर देते, मगर किसानों को मिट्टी तैयार करने, बीज बोने से लेकर उनकी देखभाल सब करना पड़ता था। जब कटाई के बाद फसल को बागान मालिक के हाथों सुपुर्द कर दिया जाता, तो दोबारा वही चक्र कर्जा इत्यादि का शुरू हो जाता था। इससे किसानों को बड़ी परेशानी होती थी। उनके सामने एक मजबूरी ये भी थी कि जिस वक्त नील की खेती होती, उसी वक्त धान की भी खेती होती। ऐसे में बागान मालिकों को मजदूर मिलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक समय ऐसा आया जब नील उत्पादन के लिए किसानों को मारा पीटा जाने लगा, किसानों का शोषण होने लगा, उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती, वे हमेशा कर्जों तले दबे रहते। किसानों को उनके सबसे उपजाऊ जमीन पर नील की खेती मजबूरी में करना पड़ता। और नील की खेती के साथ एक परेशानी यह भी था कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती व मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती। इसकी वजह से नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इन सभी परेशानियों को देखते हुए बंगाल के किसान अंग्रेजी हुकूमत से बगावत करने का दमखम भरने लगे। 1859 में बंगाल के हजारों रायतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। सबसे पहले इस विद्रोह की शुरुआत सितंबर 1858 में बंगाल नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। इसका नेतृत्व वहां के स्थानीय नेता दिगंबरम विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। इनकी अगुवाई में वहां किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। देखते ही देखते यह विद्रोह 1860 तक बंगाल के मालदा, ढाका, पावना जैसे कई क्षेत्रों में फैल गया। 1860 तक इस विद्रोह ने पूरे बंगाल में भूचाल ला दिया था। किसानों की एकजुटता से इस विद्रोह को बहुत बल मिला। जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता गया, रायतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। किसान यही नहीं रुके, कल तक खेतों में चलने वाले हथियार नील की फैक्ट्रियों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। पुरुषों के साथ महिलाएं भी इस विद्रोह में कूद पड़ी थी। बागान मालिकों के लिए कामकाजी वर्गों ने भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया। जब कोई एजेंट लगान वसूलने जाता तो उनको पीट कर भगा दिया जाता। किसानों ने कसम खा ली कि न तो वह नील की खेती करेंगे और न ही बागान मालिकों की खौफ से चुप बैठे। इनकी विद्रोह को तब और भी बल मिल गया जब वहां के मजबूर जमींदारों ने भी इनका समर्थन करना शुरू कर दिया। नील किसानों ने विद्रोह को लगातार जारी रखा। उनको इस बात का अंदेशा हो चुका था कि ब्रिटिश हुकूमत इनके संघर्षों में उनका साथ जरूर देगी। इसके पीछे एक वजह यह भी था कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश
अधिकारी बिल्कुल सचेत हो चुके थे, वे किसी भी तरह के आंदोलनों में ढिलाई नहीं बरतना चाहते थे। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत को भारतीय किसानों के इस नील आंदोलन से डर लगने लगा। वो किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को शांत करवाना चाहते थे। कहा जाता है कि किसानों की एकजुटता ने वो काम कर दिया कि ठंड रातों में अधिकारियों को जगह जगह दौरा करना पड़ता था। आगे मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया कि रैतों को नील के अनुबंध मानने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का फरमान जारी किया है। स्थिति और बिगड़ने लगी थी। जैसे जैसे विद्रोह उग्र होता गया, कलकत्ता के एजुकेटेड लोग भी इन गरीब किसानों के साथ देने लगे। पत्रकारों व लेखकों का समूह भी इन नील वाले शहरों की तरफ जाने लगा। बागान मालिकों के द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार एवं शोषण को लेखक खुले तौर पर लिखने लगे। मामला इतना बिगड़ चुका था कि बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना तैनात करना पड़ा। आगे इस मामले की जांच करने के लिए एक नील आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, उनके बुरे बर्ताव की आलोचना भी की। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि रैयतों वाले किसानों के लिए नील की खेती घाटे का सौदा है। पिछले अनुबंधों को पूरा करने के बाद किसान बागान मालिकों के लिए नील नहीं उगाएगा, वो उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इस बगावत में हुए फैसले के बाद बंगाल में नील का उत्पादन धाराशाही हो गया। अंग्रेज बिहार किसानों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। वहां के भी किसानों को उसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में एक किसान महात्मा गांधी से मिला। वो उनसे बिहार के नील किसानों की दुर्दशा देखने को संज्ञान लेने को कहा। इसी के बाद ही 1917 में महात्मा गांधी ने नील बागानों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थी भारतीय किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ नील विद्रोह की दिलचस्प कहानी, जिसमें किसानों की एकजुटता की वजह से ब्रिटिश हुकूमत को भी झुकना पड़ा। शायद इसलिए नील विद्रोह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।